हेलो दोस्तों, मैंने पिछला टॉपिक में कवर किया था आपका रिफ्रैक्टिव एरर से रिलेटेड। ठीक है जी, जो मैंने वहाँ पे आपका सिर्फ मायोपिया बताया था आपको। तो हमारे जो मुख्य रूप से जो रिफ्रैक्टिव एरर है, तीन है, MAH, मायोपिया, एस्टिगमेटिज्म, हाइपरमेट्रोपिया। मैंने एस्टिगमेटिज्म को यहाँ पे दूसरे नंबर पर रखा है क्योंकि ज़्यादातर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में मायोपिया के बाद में एस्टिगमेटिज्म मिलता है और हाइपरमेट्रोपिया बहुत कम मिलता है। मैंने अभी एक 2500 बच्चों पे सर्वे किया था, उसके अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा जो मिला है वो मायोपिया मिला है, दूसरे नंबर पे एस्टिगमेटिज्म मिला है, तीसरे नंबर पे हाइपरमेट्रोपिया मिला है। जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं जिनकी एज 11 से 16 के बीच में है, उनके अंदर मायोपिया ट्रेंड कर रहा है, मायोपिया बढ़ रहा है उनके अंदर 11 से 16 की एज के अंदर, और हाइपरमेट्रोपिया कम हो रहा है वहाँ पर। ठीक है जी। और एस्टिगमेटिज्म आपको वैसे मायोपिया के साथ साथ एस्टिगमेटिज्म भी आपको इस एज में ट्रेंड करता हुआ मिलेगा, लेकिन एस्टिगमेटिज्म आपको हर एज ग्रुप में मिलेगा। खासकर ये शहरों में ज़्यादा मिला है मायोपिया और एस्टिगमेटिज्म दोनों, बजाय ग्रामीण क्षेत्र के। अर्बन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ज़्यादा मिला है बजाय कि आपके गाँव की तरफ के। तो मैं उस दिन जो बेस्ट फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के हिसाब से बताया था कि उसमें हमारा मायोपिया सबसे ज़्यादा, एस्टिगमेटिज्म और हाइपरमेट्रोपिया 102% एवरेज मिलता है स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के अंदर। मायोपिया का मैंने आपको वहाँ पे कारण भी बता दिया था कि मायोपिया होता क्या है, इसकी ऑप्टिक्स कैसी होती है। ठीक है जी, तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके बारे में हल्का सा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारी आँख है। ठीक है जी, एक डायग्राम मैंने बना दिया आपको, ये डायग्राम यहाँ पर मुझे डायग्राम थोड़ा हल्का ही बनाना आता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो आँख है, नॉर्मल आई में हमारा क्या होता है कि जो रे हैं, ठीक है जी, वो जाके सीधी रेटिना पे फोकस होती है, वो सीधी जाके यहाँ पे रेटिना पे फोकस होती है। इसे बोलते हैं हम ईमेट्रोपिया कंडीशन, नो रिफ्रैक्टिव एरर, नो रिफ्रैक्टिव एरर। लेकिन मायोपिया में क्या होता है कि ये इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस हो जाती है जी, ये क्या होती है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस होती है और फिर बाद में डाइवर्ज हो जाती है यहाँ पे। ठीक है जी, ये होती कंडीशन किसकी, मायोपिया के अंदर। अब मायोपिया में क्या होता है कि यदि हमारी जो आँख की जो नॉर्मल लंबाई है, एक्जियल लेंथ है, करीबन 24 mm मानी गई है, कुछ जगह 23.86 mm भी दिखाया गया है। तो एक्जियल लेंथ, जो आँख की लंबाई इतनी मानी गई है। ठीक है, तो यदि हमारी आँख की लंबाई, एक्जियल लेंथ, शॉर्ट में AL बोलते हैं इसको, यदि हमारी आँख की एक्जियल लेंथ 1 mm घट जाए या बढ़ जाए, तो मान लो एक्जियल लेंथ 1 mm बड़ी हुई है हमारी मायोपिया के अंदर, तो वहाँ पे -3 डायोप्टर का हमें एरर मिलेगा। ठीक है जी, और ये हमारा आँख का कॉर्निया है, यदि इसके कर्वेचर में, 1 mm का, 1 mm का फर्क आ जाए, तो यहाँ पे -6 डायोप्टर का एरर मिलेगा। ठीक है जी, तो मोस्टली तो दो टाइप के हैं आपका, एक्जियल लेंथ और कर्वेचर की वजह से। ये जो है, सॉरी, यहाँ पे ये कर्वेचर की वजह से, कॉर्नियल कर्वेचर की वजह से। ठीक है, तो यदि कॉर्नियल कर्वेचर में 1 mm का चेंजेस आ गया, तो वहाँ पे 6 डायोप्टर का आ जाएगा, और आँख की लंबाई में अंतर आ गया तो -3 का। तो ये तो हो गया मायोपिया की बात। अब मायोपिया में जो मोस्टली है, हम इसको तीन कैटेगरी में बांट देते हैं मायोपिया को। एक होता है सिंपल मायोपिया, सिंपल मायोपिया, हम इसको दूसरी भाषा में स्कूल गोइंग मायोपिया भी कह सकते हैं, स्कूल मायोपिया भी कह सकते हैं एक तरह से। स्कूल मायोपिया क्यों बोलते हैं इसको दूसरी भाषा में, क्योंकि ये जो जो बेसिक वाला ये जो मायोपिया है, इसकी रेंज आपकी स्टार्टिंग -0.5 से लेके और करीबन -3 डायोप्टर तक, -0.5 से लेके -3 डायोप्टर तक। तो ज़्यादातर बच्चों में आपको इस रेंज में ज़्यादा मिलता है, तो इसे हम माइल्ड माइल्ड या सिंपल मायोपिया में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मॉडरेट वाला, उसके बाद आता है आपका मॉडरेट वाला। तो इसमें क्या होता है मॉडरेट वाले मायोपिया में, कि आपका जो मॉडरेट मायोपिया है, मॉडरेट, MODERT, मॉडरेट के अंदर क्या होता है कि जो आपको मायोपिया मिलेगा वो आपका मोर देन 3 डायोप्टर से ज़्यादा होगा, -3 डायोप्टर से ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसकी रेंज होती है -6 डायोप्टर तक। ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद हमारा कैटेगरी हो जाती है हाई मायोपिया की, हाई मायोपिया कैटेगरी, मोर देन 6 डायोप्टर को हम हाई मायोपिया कैटेगरी में लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये -6 से ज़्यादा जो होता है, ये आपका हाई मायोपिया के अंदर आ जाता है।
ठीक है जी। तो ये हमने मायोपिया को तीन भागों में बांटा। अब हमारा क्या था कि भाई पहला तो हमने डेफिनेशन बता दी कि वेन इंसिडेंट पैरेलल रेज फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना वेन अकोमोडेशन इज दैट दैट कंडीशन इज कॉल्ड मायोपिया। जब कोई आपतित किरण रेटिना से पहले फोकस हो रही है और जब हमारी अकोमोडेशन रेस्ट है उस कंडीशन को मायोपिया कहते हैं। मेन कीवर्ड है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ठीक है। अब इसको हमें क्योंकि ये पहले एकत्रित हो गई तो हमारा उद्देश्य क्या है कि पर्दे पे फोकस करना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करें कि हमारा उद्देश्य क्या, हम यहाँ पे फोकस हो जाए तो हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव माइनस वाला लेंस जो हम रिफ्लेक्शन करेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन करके जो हम यहाँ पे देंगे। तो फिर क्या होगा, जो ये रे है यहाँ पे फोकस होगी हमारी रेटिना पे, ठीक है जी। तो ये उद्देश्य होता है हमारा मायोपिया के अंदर। तो मायोपिया का मैंने बेसिक बेसिक बताया, डेफिनेशन क्या है, एक्जियल वाला हो गया, कर्वेचर वाला हो गया, सिंपल मायोपिया, मॉडरेट, हाई मायोपिया और कॉनकेव लेंस अपन प्रिस्क्राइब करते हैं मायोपिया के अंदर ट्रीटमेंट में। तो पहला हमारा चश्मा ही दिया जाता है, दूसरे नंबर पे हम कॉन्टैक्ट लेंस भी दे सकते हैं, तीसरे नंबर पे लेसिक लेजर भी करवा सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और एडवाइज़ करूँगा यहाँ पे कि जो भी हाई मायोपिक पेशेंट हैं, जो भी हाई मायोपिक पेशेंट हैं, आप लोग जो -6 से ऊपर के हैं उन सबको आप फंडस एग्जामिनेशन रेटिना चेकअप के लिए ज़रूर एडवाइज़ कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई लोगों में जो हाई मायोपिक हैं उनमें मायोपिक डीजनरेशन या कुछ लेटेस्ट डीजनरेशन होने के चांसेज होते हैं कि कहीं से कोई पर्दा कोई जगह से कमज़ोर तो नहीं पड़ा हुआ, ताकि वो एक रेटिना के डॉक्टर के पास जाके अपना अच्छे से दिखा के इलाज करा सके। तो मायोपिक वाले पेशेंट को आप रेटिना स्क्रीनिंग ज़रूर आप एडवाइज कीजिए कि अपना रेटिना स्क्रीन ज़रूर कराइएगा। थैंक यू सो मच।